राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं संदीप नोकवाला HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 2 अप्रैल यानी काफ़ी सुर्खियों में आज कांग्रेस के हिसार लोकसभा सीट चली गई है। जी हां, हरियाणा की रोहतक से भी बड़ी होट सीट हिसार की सीट बन चुकी है। सभी की नज़र एक पर है कि कांग्रेस किसको उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, जो बात सर्वे से साफ हो चुकी है, जो बात जिस प्रकार से भाजपा नेता बयान कर रहे हैं दूसरी जातियों को लेकर, उससे साफ हो चुकी है कि यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ यहाँ पर विचार बना चुकी है नॉन जाट नेता को उतारने का। और सर्वे की बात की जाए तो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे चल रहा था, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी, और इस सर्वे के मुकाबले में जो जीत हासिल किए, जो रेस में आगे है, वो है चंद्रमोहन बिश्नोई। हालांकि उन्होंने बातचीत में उन्होंने हाँ भी भर लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस बार उनके परिवार का कोई सदस्य कुलदीप बिश्नोई या उनके भतीजे कोई भी सामने नहीं है, वो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे भाजपा कैंडिडेट के विपक्ष में, यानी रणजीत चौटाला के सामने चुनाव लड़ेंगे और पूरी ठान चुकी है। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमोहन को किन कारणों से कांग्रेस टिकट दे रही है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान आज शाम को या कल यानी 3 अप्रैल को कर सकती है, यानी आज या कल में कांग्रेस अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर देगी। लेकिन चंद्रमोहन का नाम आगे जाने के बाद सियासी गलियारों में खूब चर्चाएं होने लगी है, भाजपा के भी होश उड़ने लगे हैं। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी नेता, चंद्रमोहन पूर्व डिप्टी सीएम है, हमेशा से कांग्रेस में रहे हैं, 4 बार कालका से विधायक रह चुके हैं और पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल जी के बड़े बेटे हैं। कुलदीप से पहले चौधरी भजनलाल जी ने चंद्रमोहन जी को राजनीति में उतारा था। वहीं पर आपको बता दें कि 2014 में उन्होंने नलवा से चुनाव लड़ा था, उस समय ILD से रणवीर गंगवा के सामने चुनाव लड़ा था, क्योंकि यहाँ पर रणवीर गंगवा की बात की जाए तो OBC वोट बैंक वसूलने में रणवीर गंगवा आगे रहे थे, थोड़े से मार्जिन के साथ रणवीर गंगवा को वहाँ पर जीत मिली थी। चंद्रमोहन बिश्नोई का भी मार्जिन काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी अच्छा प्रभाव 5 सीटों पर बिश्नोई परिवार का देखा जा सकता है। आपको बता दें कि लोगों ने माना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे और ऑल इंडिया कांग्रेस AICC के मेंबर भी है चंद्रमोहन बिश्नोई फिलहाल। और आपको बता दें कि बड़ी वजह क्या है, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी का फायदा चंद्रमोहन को मिलेगा, क्योंकि उनके समर्थक चंद्रमोहन बिश्नोई से जी जान से जुड़ेंगे, मैंने बातचीत भी कही है, तो वो पूरा सपोर्ट करेंगे। और आपको बता दें कि ऐसे में कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की नाराजगी चल रही है, ऐसे में MP की सीट जीतकर चंद्रमोहन बिश्नोई कुछ बड़ा कर सकते हैं, और उसके कारण जो है भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई भी वापस कांग्रेस में कयास लगाई जा रही है कि कांग्रेस में चंद्रमोहन बिश्नोई की वजह से दोबारा शामिल भी हो सकते हैं। और आपको बता दें कि 9 में से 5 विधानसभा सीटों पर परिवार की मजबूत पकड़ है, और आदमपुर, नलवा, हिसार, उकलाड़ा, सोहना पर ध्यान केंद्रित है। 4 और विधानसभा भी है। आदमपुर हल्का 1968 से भजनलाल परिवार का अभेद दुर्गा अभेद किला है, इसको भेदना काफ़ी बड़ा मुश्किल होगा दूसरी पार्टियों के लिए। चंद्रमोहन जी के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। वो लगातार 4 बार जो है कालका विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं कांग्रेस सरकार के अंदर। यही वजह है कि हिसार के क्षेत्र के लोग आज भी जब कोई काम होता है तो चंद्रमोहन बिश्नोई से मिलते हैं। काफ़ी लोग आज भी चंद्रमोहन बिश्नोई के अंदर चौधरी भजनलाल जी की छवि देखते हैं। जी हाँ, हार जीत तो चुनाव का एक पहलू है, लेकिन एरिए की जनता, हल्के की जनता चंद्रमोहन बिश्नोई को दिल जान से चाहती है, और यही कारण है कि सर्वे के अंदर कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होना चाहिए, चंद्रमोहन बिश्नोई को जीत मिली और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज या कल में फाइनल टिकटों का ऐलान हो जाएगा, इसके बारे में पब्लिक क्या सोचती है, आपका क्या सोचना है, आप अपने विचार कमेंट करें। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट देकर कांग्रेस सही कर रही है? अगर सही नहीं कर रही है तो किस नेता को टिकट मिलना चाहिए? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको राजनीति से जुड़ी हरियाणा की ताज़ा खबरें मिलती रहें।